उत्तर प्रदेश में इस वक्त चुनावी मौसम चल रहा है। विधानसभा चुनाव है, दो चरण के मतदान हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पांच चरण के मतदान बाकी है। 10 मार्च को वोट खुलेंगे और कई प्रत्याशियों की किस्मत का ताला खुलेगा, साथ ही साथ प्रदेश के अगले पांच साल का भविष्य क्या होगा यह भी काफी कुछ तय हो जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या मौजूदा सरकार एक बार फिर सत्ता की चाबी अपने पास ही रखेगी या फिर सत्ता परिवर्तन होगा, ये सभी चीजें देखने वाली होंगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त हर प्रत्याशी जगह जगह की विधानसभाओं से अपने अपने तरीके से जोर शोर से अपनी अपनी गतिविधियों में लगे हुए हैं, ताकि किस तरीके से जनता तक अपनी बात को पहुंचा सकें और किस तरीके से जनता से अपने लिए वोटों की अपील कर सकें और किस तरीके से अपने आने वाले दिनों में वो क्या ब्लूप्रिंट पेश करेंगे, किस तरीके से विकास के कामों को करेंगे, इसको भी जनता को समझा सकें। तो इसको लेकर हर प्रत्याशी अपने अपने तरीके से जोर शोर से चुनावी पूरी जो संरचना है उसमें लगा हुआ है। ऐसे में हमारे साथ आज एक ऐसे ही मेहमान जुड़ेंगे, झांसी सदर से AIMIM के प्रत्याशी सादिक अली साहब। सादिक अली साहब हमारे साथ स्क्रीन पर हैं, बहुत बहुत स्वागत है सादिक अली साहब आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। सादिक अली साहब, हम राजनीतिक बातें करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन सबसे पहले जब मैं आपका जीवन परिचय सुन रहा था, पढ़ रहा था जीवन परिचय के बारे में, तो 35 सालों से आप समाज सेवा कर रहे हैं। 35 साल एक लंबा सफर समाज सेवा का, इसके बाद आज पहली दफा चुनावी जो बिगुल जब बजा है उसके बाद पहली बार आप चुनावी मैदान में हैं। कब ये फैसला लिया आपने कि 35 साल की समाज सेवा के बाद अब चुनाव में आना जरूरी है, अब सेवा करना राजनीति के जरिए जरूरी है? जी सही कहा आपने, क्योंकि 35 साल जब हमने समाज सेवा की और जिस प्रकार से सरकारें अब चली उससे लगा कि मानवता के खिलाफ, हम ये चाहते हैं कि जो भाईचारा हमारा बिगड़ रहा था इसके लिए बैलिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए और मुझे लगा कि आपका साथ देना चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश में इसकी बहुत जरूरत है, खासतौर से हमारी भाईचारे। ठीक है सादिक अली साहब, पहली बार चुनाव है, पहला एक्सपीरियंस है, लोगों के बीच आप पहुंचे होंगे, 35 साल आप समाज सेवा की, ठीक है, लेकिन आप जब लोगों के बीच पहुंच रहे हैं तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं सादिक साहब? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अपार प्यार मिल रहा है, क्योंकि शुरू से हम यहाँ पर सेवा करते रहे तो इसलिए लोगों ने कहा कि आप अगर आए हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो है 10-10 साल से जो विधायक बने बैठे हैं उन लोगों को काम तो किया नहीं, महंगाई चरम सीमा पर है, और अगर आप यहाँ 223 विधानसभा झांसी की बात करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ बहुत मूलभूत समस्या है। एक तो यहाँ मोहल्ला क्लिनिक नहीं, दूसरा यहाँ पर जो है सेनेटर हाउस का भी कोई वो नहीं है, तीसरा यहाँ चिकित्सा अच्छा नहीं है, मेडिकल कॉलेज की यहाँ जो एक ही यहाँ पर जो चिकित्सा का है उसकी भी स्थिति बहुत जर्जर हालत में है, एक ही सिविल अस्पताल है यहाँ पर, पीने का पानी की स्थिति बहुत ज्यादा यहाँ पर खराब है। यहाँ तो ये स्थिति बनती है साहब कि जब गर्मी आती है तो पानी पीने के लिए जो है टैंकरों से पानी लोग जो है खरीदते हैं यहाँ पर, आपने देखा हो कई बार अखबार में छपा कि पानी खरीदा गया, तो ये स्थिति है। लेकिन सादिक अली साहब एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे कि मैंने कई लोगों को सुना है और हम क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश का भ्रमण भी कर चुके हैं, जहां जहां चुनाव होते हैं वहां जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जमीनी हाल क्या है, लेकिन सादिक अली साहब एक चीज मैंने महसूस की है कि कई लोग कहते हैं कि भाई ये जो राजनीति है, ये जो चुनाव लड़ना है, ये दलदल है, मुझे इसमें नहीं जाना, मेरा ऐसे ही ठीक है, बाहर से ही ठीक है, और काफी अच्छे लोग जो हैं वो इसी वजह से चुनाव में नहीं आ पाते। आप चुनाव मैदान में आए हैं, आपकी सोच क्या रही उस वक्त जब आप चुनावी मैदान पे आए, क्योंकि समाज सेवा तो आप पहले भी कर रहे थे, लेकिन कैसे और अच्छे से कर सकेंगे इसको? नहीं नहीं, मेरी ये सोच रही है, क्योंकि जब आदमी वोट देता है, मत देता है, मत का मान राय है, और अगर राय हमारे लोग गलत दे देते हैं तो हमारे फिर किस्मत के फैसले विधानसभा और लोकसभा में होते हैं, तो मुझे ये लगा कि नहीं ये माध्यम अच्छा है सही सेवा करने का, और एक ऐसा लीडर जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लीडर है आज की डेट में, बैलिस्टर है आप असदुद्दीन साहब, और कानून के मानने वाले हैं, कानून के जाता है, आप बैलिस्टर हैं, और भीमराव अंबेडकर जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं जिन्होंने कानून बनाया उसको अच्छी तरह से मानते हैं वो, तो उसके कानून के बिना तो कोई देश चल नहीं सकता ना, और लोग कानून बदलना चाहते हैं बिल्कुल, और अपनी मर्जी का कानून थोपना चाहते हैं, तो मुझे लगा इससे अच्छा माध्यम तो मेरे लिए कोई नहीं।
क्योंकि सादिक अली साहब अभी आप हमारे साथ लाइव, और मुझे काफ़ी खुशी है कि कोई समाज सेवी इतना लंबा समाज सेवा का अनुभव उसके बाद राजनीतिक जो मंच है उस पर आए हैं, आप राजनीति में आए हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अगले 5 साल, आपको शुभकामनाएं हैं आप जीतें, अगर आप जीतते हैं तो अगले 5 साल के लिए आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है, क्योंकि दर्शक आपको देख रहे हैं वो भी जानना समझना चाहेंगे कि सादिक अली साहब के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है अगले 5 साल में, किस तरीके से 2022 का जो आज की झांसी है सदर, उसको किस तरीके से परिवर्तन करने का आपने सपना देखा है। जी देखिए, झांसी हमारी वीरांगना लक्ष्मीबाई की धरती है और यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब बहुत अच्छी थी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब बचपन में था तो हमारे बगल में एक साहू समाज रहा करते थे। जब दिवाली होती थी तो वो हमको कपड़े बना के देते हम बच्चों को, और जब ईद बनती थी तो मेरे फादर कपड़े बना के उन बच्चों को देते थे। तो वो भाईचारा हमारा खत्म हो गया। झांसी में भी इसके बादल मंडराने लगे, तो इसको भी हमको साफ करना है। तो दूसरा, ये मूलभूत समस्याएं हैं यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो कुरेश नगर है यहाँ पर आप कुरेश नगर को देखेंगे तो पुलिस उत्पीड़न बहुत है यहाँ। यहाँ डॉक्टर जो पशु का डॉक्टर है वो भी आए दिन वसूली करता है और जो है परेशान करता है लोगों को। दूसरा ये कि हमारे मोहल्ले के अंदर क्लिनिक नहीं है, और जो प्राइमरी स्कूल है इनकी भी समस्या बहुत खराब है, जीर्ण शीर्ण हालत में है। नालियों का बुरा हाल है, पानी का मैंने आप बता चुका है। दूसरा ये कि यहाँ पर जब पानी बरस जाता है तो लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। लगभग मेरा आधा मेरी विधानसभा ऐसी है जिनके घरों में पानी गिरता है, बरस जाता है, तो बहुत परेशानी होती है उनको। तो बहुत सी समस्याएं हैं, समस्याओं का तो अंबार लगा पड़ा है यहाँ पर। अच्छा, भूमाफियों का जबरदस्त कब्जा है, कब्रस्तानों पर कब्जा करते हैं। आज कम से कम 3 और 4 कब्रस्तान ऐसे हैं जहाँ कब्जा है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, डेली कब्रस्तान के अंदर कब्जा कर लिया गया और कब्रों को खोद दिया गया बुलडोजर से। तो बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिसको हमें काम करना है, और मैं समाज सेवा के द्वारा तो नहीं कर पा रहा था इतने बड़े काम, इसलिए मैं राजनीति में आया कि शायद इससे मैं बात कर सकूं। ठीक है, आपने अपना विजन जो है सेवा का वो एक तरीके से बड़ा किया, इसलिए आप राजनीति में आए हैं। एक और चीज़ है उसको समझने की कोशिश करेंगे, जब झांसी का जिक्र होता है तो एक ही लाइन याद आती है कि बहुत लड़ी मर्दानी थी वो तो झांसी वाली रानी थी। लड़ाई आपके लिए भी बहुत दंगल है, ये आपके लिए ये सियासी दंगल आप लड़ने जा रहे हैं, और युद्ध बहुत भीषण होगा क्योंकि आपके सामने एक तरफ बड़ी बड़ी संसाधनों से लैस पार्टियां हैं जिनके पास हर तरीके का हथियार है, जुबानी हथियार है, कैडर का हथियार है, और प्रचार प्रसार के तरीकों का हथियार है हर तरीके से। एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ सपा है, बसपा है, बीजेपी हर तरीकों से पोलराइजेशन भी होता है। एक तरफ कब्रिस्तान के आइडियाज हैं, शमशान के आइडियाज हैं, दूसरी तरफ जिन्ना का आइडिया है, इन सबसे कैसे लड़ेंगे? भीषण लड़ाई। देखिए, लड़ाई वाकई गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं, मगर जब आप सत्यता पे चलते हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपका साथ देता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई में ईश्वर मेरे साथ जरूर रहेगा। ठीक है सादिक अली साहब, एक और चीज है, जैसे ही AIMIM का जिक्र होता है और हम उत्तर प्रदेश की सियासी संरचना को समझते हैं, हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, तो ये सवाल जरूर है और दर्शकों को ये मैसेज जरूर आपको देना होगा कि जब ये बातें होती तो पोलराइजेशन हो जाता है, हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश की सियासत राजनीति में, हिंदू मुस्लिम तो सबसे, किताब खोलेंगे सियासत की तो सबसे पहले पन्ने पे हिंदू मुस्लिम मिलेगा कि ये वाला कोर्स करके ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे में आपका, मैं एक चीज़ पढ़ रहा था कि आपने सभी धर्मों की, सिर्फ मुस्लिमों की नहीं, सभी धर्मों के हजारों कन्याओं का आपने विवाह करवाया है। तो ये जो आप हजारों कन्याओं का विवाह करवा चुके हैं सभी धर्मों की, ये आप कब से करवा रहे हैं और ये क्या आइडिया था आपका, कब से करवा रहे हैं इसको? ये करीब 15 साल से ऊपर हो गया हमको ऐसा करते हुए। ठीक है, और जब ईश्वर ने हमको जो है थोड़ा ठीक ठाक किया तो मुझे लगा कि मुझे कन्या का जो है ब्याह करना चाहिए, और सब धर्म की कन्या का। मैं आपको एक बात और आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, मैं अभी तक 17 कन्याओं का कन्यादान ले चुका हूँ, जिसमें करीब करीब सभी बिरादरी की कन्याएं। बहुत खूब सादिक साहब, बहुत खूब। एक और चीज जानना चाहेंगे कि कोरोना काल के दौरान आपने गरीब परिवारों को राशन वितरण किया, और इससे इतर भी, कोरोना काल ना भी रहो तब भी आप गरीबों की आर्थिक सहायता करते रहे समय समय पर। सादिक साहब, वादा करके जाएंगे आप कि अगर आप चुनाव जीते तो ये समाज सेवा भी साथ ही साथ चलती रहेगी इसी प्रकार निरंतर? बिल्कुल चलती रहेगी, बल्कि और ज्यादा समाज सेवा की जाएगी, क्योंकि बहुत से जब ईश्वर किसी को कामयाब करता है, और मुझे ये उम्मीद है कि मैं यहाँ का विधायक बनूंगा
तो निश्चित तौर पर जो लोगों की आशाएं होती है उसमें मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। जी बिल्कुल सादिक साहब, आपको, आप हमारे साथ जुड़े इसका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सादिक साहब, आगामी चुनाव को लेकर तो 20 तारीख को झांसी में मतदान है, ऐसे में सादिक अली साहब भी मैदान में हैं। मैदान में इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इस बार जो लड़ाई है वो हर तरफ से है, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ समाजवादी पार्टी है, तो दूसरी तरफ अब सादिक अली साहब भी 45 साल के अपने समाज सेवा के अनुभव के साथ मैदान में उतर चुके हैं। क्या कुछ होगा 10 मार्च को साफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आपसे अगली दफ़ा फिर मुलाकात हो। शुक्रिया।